हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तौकीर है और आप देख रहे हैं OECBD। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि जो दोस्त किसी भी वेबसाइट से अपनी कोई असाइनमेंट की फाइल या कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, सबमिट कराने से पहले उनको एक इशू आता है और वो ये आता है कि आप जब असाइनमेंट के ऊपर कर्जर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिटेल आती है, उस डिटेल में एक ऑथर का नेम भी आ रहा होता है। आप चाहे तो उस फाइल को कॉपी करके पेस्ट करें, कुछ भी करें, ऑथर का नेम चेंज नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑथर का नेम किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो असाइनमेंट जमा कराने वाले दोस्त हैं, उन दोस्तों को ये प्रॉब्लम आता है, तो आज मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर एक असाइनमेंट नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, अगर मैं यहाँ पर कर्जर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल दिखाता है। इस डिटेल में आप देखें ऑथर का नाम भी आ रहा है और ऑथर के नाम के अंदर OECBT लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको सबमिट करवाऊंगा ये ऑथर का नाम भी ऐसे ही जाएगा। ऑथर का नाम अगर चेंज ना हो तो मुझे तो प्रॉब्लम बन जाए। सो फ्रेंड्स, इसका हल ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसको ओपन करें। जैसे ही फाइल ओपन हो जाएगी तो ओपन होने के बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मोड्स आते हैं और डिफरेंट किस्म के मेन्यूज आपके सामने शो हो रहे होते हैं। आपने यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मेरे पास 2007 भी है, 2009 भी है, 10 भी है, 13 है, 16 है, कौन सा वर्जन है जिसके ऊपर मैं करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हर वर्जन के लिए है। आपने जस्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पुराने वर्जन है उनमें यहाँ पर एक इन्फो का टैब होता है। पुराने वर्जन में बकायदा तौर पर यहाँ पे आपको इन्फो का टैब मिलेगा। आपने उस इन्फो के टैब के ऊपर क्लिक करना है। चूंकि ये मेरे पास लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर इन्फो का टैब नहीं है, बल्कि बाय डिफॉल्ट ही इन्फो के अंदर ही आप यहाँ पर लैंड कर रहे होते हैं। तो ये इन्फो का टैब बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है। इस इन्फो के टैब में जो राइट पैनल के ऊपर जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, आपके डॉक्यूमेंट की हैं। यहाँ पर नीचे अगर जाके देखें तो यहाँ पर ये देखें मुझे ऑथर्स के नाम आ रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि लास्ट मॉडिफाई इस बंदे ने किया। आप चाहे तो उस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस ऑथर को डिलीट कर सकते हैं। ऑथर में यहाँ पे देखें रिमूव पर्सन आ रहा है। आप चाहे तो इसकी प्रॉपर्टी में एडिट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही रिमूव करूंगा तो यहाँ पर ऑथर का सेक्शन खाली हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके कोई भी ऑथर नेम यहाँ पर रख सकता हूँ। जिस तरह मैं रखता हूँ, मैं ट्रेनर रख रहा हूँ। अब आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं इसको रख के बस जस्ट ऐसे इसको क्लिक किया साइड पे तो ये सेव हो गया। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये सेव नहीं होगा। यहाँ से इसको सेव करना लाजिम है। या तो आप यहाँ से इसको सेव कर लें या कंट्रोल एस करके सेव कर दें, वो आपकी कॉल है। अब आप जैसे इसको बंद करेंगे, अब बंद करके एक दफ़ा रिफ्रेश करें और अपने कर्जर को दोबारा यहाँ पर लेकर जाएं और देखें आपका ट्रेनर चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने अपनी जो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवानी होती हैं उनमें आप अपना ऑथर का नेम चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।